हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। रांची टेस्ट में भारत की रोमांचक जीत, लगातार 17वीं सीरीज पर किया कब्जा। रांची टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया है। भारत के सामने दूसरी पारी में 192 रनों का लक्ष्य था, जिसे टीम ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बता दें कि घरेलू मैदान पर भारत की ये लगातार 17वीं सीरीज जीत है। इसमें रोहित शर्मा 55 रन और गिल 52 रन ने अर्धशतकीय पारी खेली। संदेश खाली केस में शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी के बयान पर किया साफ। संदेश खाली अत्याचार मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई है। कोर्ट का ये बयान तब आया है जब तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि बंगाल सरकार शाहजहां को गिरफ्तार करने में असमर्थ है, क्योंकि कोर्ट ने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं। रूस की जीडीपी से भी बड़ा हुआ एनवीडिया का मार्केट कैप, $2 ट्रिलियन के करीब पहुंचा। एआई चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एनवीडिया के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। एक ही दिन में इसके मार्केट कैप में $277 अरब का इजाफा हो गया और इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप $1.97 ट्रिलियन पर पहुँच गया, जो रूस की जीडीपी से अधिक है। बता दें कि रूस की इकोनॉमी का साइज $1.92 ट्रिलियन है और वह दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। एनवीडिया दुनिया की चौथी बड़ी वैल्यूएबल कंपनी है। शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई, ईडी को नोटिस जारी किया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट की जमानत देने से इनकार करने वाली याचिका पर ईडी से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है। ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया था कि संजय सिंह ने कथित अपराध से हुई कमाई को सफेद करने के लिए अपनी कंपनी बनाई थी। सीएम केजरीवाल को कांग्रेस का समर्थन, प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी चाहती है आप गठबंधन में शामिल न हो। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बयान में कहा कि बीजेपी साजिश के तहत इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहती है। ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल इंडिया गठबंधन में शामिल न हो। आंतरिक सर्वेक्षण कहता है कि उन्हें 200 सीटें भी नहीं मिलेंगी। संकटग्रस्त कंपनी पेटीएम के शेयर में लगभग 5% का उछाल। संकटग्रस्त वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी पेटीएम के शेयर तेजी पकड़ रहे हैं। पेटीएम का शेयर एनएसई और बीएसई पर 5-5% उछाल के साथ कारोबार कर रहा है। पेटीएम का शेयर एनएसई पर 428.10 रुपए और बीएसई पर 427.95 रुपए पर पहुँच गया। बता दें कि इससे पहले आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूजर्स को अन्य बैंकों में स्थानांतरित करने की संभावना तलाशने के लिए कहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर जताई चिंता, कहा अग्निपथ योजना से टूटा 2 लाख युवाओं का सपना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि करीब 2 लाख नौजवानों के साथ न्याय किया जाए, जिनका चयन सेना की नियमित सेवा में होने के बावजूद उनकी भर्ती नहीं की गई है। उन्होंने लिखा कि युवा जिस दिन नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे, उस दिन सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।